नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूं आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियां। हाथरस जिले के प्रभारी राजमंत्री ने जिला मुख्यालय पर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। हाथरस जनपद के प्रभारी पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने जिला मुख्यालय के सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई तथा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के वाक को आत्मसात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन 4.5 वर्षों में ढांचागत और सामाजिक विकास के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रभारी मंत्री आगे बोलते हुए कहा कि जनपद हाथरस में जन जन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के सरकार के संकल्प को पूर्ण करने के उद्देश्य से अमृत योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना में 7 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कराया गया और जल जीवन मिशन घर नल से जल योजना में 17 परियोजनाओं का निर्माण कार्य स्वीकृत है, जिनको समय से पूर्ण करने की बात प्रभारी मंत्री ने कही। जिला अधिकारी हाथरस के सभागार में प्रमुख रूप से प्रभारी मंत्री के अलावा हाथरस जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय, हाथरस विधायक हरिशंकर महौर, सिकंदरा राव विधायक बीरेंद्र सिंह राणा, हाथरस भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गौरव आर, हाथरस नगर पालिका के चेयरमैन आशीष शर्मा, जिलाधिकारी हाथरस रमेश रंजन, मुख्य विकास अधिकारी हाथरस आर बी भास्कर, हाथरस पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, जिला सूचना अधिकारी प्रदीप कुमार आदि सभी विभागों के अलावा अफसर मौजूद रहे। 60 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। प्रति क्विंटल उतराई चनाई हेतु 20 रुपए का अतिरिक्त भुगतान की सरकार ने किया। निराश्रित आश्रय गो स्थलों के में 6.8 लाख गोवंश संरक्षित गोवंश रखने के लिए काम किया। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी पूरे प्रदेश में लागू है। 23 लाख श्रमिकों को भरण पोषण हेतु 1000 प्रति श्रमिक रुपये 230 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जहां पेयजल की सप्लाई नल के द्वारा हम लोग करेंगे। हर घर नल योजना के अंतर्गत 30,000 ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल की योजना क्रियान्वयन हुई है। 523 तटबंधों पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य किए गए हैं। 4,24,627 निःशुल्क बोरिंग, 4,032 गहरी बोरिंग और 13,299 गहरी बोरिंग से भी सिंचन भूमि की क्षमता में वृद्धि हुई। सभी जनपदों में अटल भू जल योजना लागू की गई है।